सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, मैं हूं मनीष भदौरिया। शुरुआत करते हैं 4 बजे की 4 बड़ी खबरों से। लोकसभा चुनाव से पहले यूपी में बीजेपी बड़े बदलाव की तैयारी में दिख रही है। कयास लगाए जा रहे हैं कि जिलों में करीब 40-50% तक जिला अध्यक्ष के बदलाव हो सकता है। निकाय चुनाव के टालने के बाद से संगठन में बड़े बदलाव के कवायद शुरू हो गई है। पहले चरण में फरवरी तक प्रदेश की नई टीम गठित की जाएगी। नए जिलाध्यक्ष और मंडल अध्यक्षों को बदलने का भी काम शुरू हो जाएगा। बताया जा रहा है कि नई टीम जाति आधार को मद्देनजर रखते हुए ही नियुक्त की जाएगी। आपको बता दें कि 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने अभी से संगठनात्मक तैयारियां शुरू कर दी हैं और इसके मद्देनजर वो अपने संगठन में बदलाव भी कर सकती है, जिसमें लेकर वो कुछ नए बदलाव, चाहे वो मीडिया सेल में हो, चाहे वो संगठन में हो, चाहे वो आपके पदाधिकारियों के साथ जिला अध्यक्ष का हो, सब में संगठन में एक बदलाव की तैयारियां देखने को मिल रही हैं 2024 के चुनाव को लेकर। इससे पहले 2024 के चुनाव से पहले निकाय चुनाव भी होने हैं, उसको लेकर भी संगठन पूरी तरह मुस्तैदी से उसमें लगा हुआ है, जिसको लेकर बराबर बैठकें हो रही हैं। साथ में अमित शाह भी बहुत जल्द प्रदेश में आने वाले हैं और यहाँ पर वो पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे, संबोधन करेंगे और आगे की रणनीति की आधारशिला रखेंगे कि 2000 लोकसभा चुनाव को लेकर क्या रणनीति अपनाने वाली है, ये तो देखने वाली बात होगी। इस खबर पर हमारे संवाददाता गौरव हमारे साथ मौजूद है। गौरव, बीजेपी को ये कदम उठाने के पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है कि लगातार देखने को मिला है बीजेपी संगठन में बदलाव कर सकती है और जैसा कि अभी सूचनाएं भी आ रही हैं, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? अगर बीजेपी संगठन में बदलाव करती है तो ये क्या लोकसभा 2024 को लेकर कुछ उनकी कोई रणनीति के तहत होने वाला है? ये बिल्कुल यहाँ पर संकेत है, क्योंकि देश का निकाय चुनाव भी है और 9 राज्यों में निकाय चुनाव भी होने, राज्य चुनाव भी होने, इसके अलावा 24 का चुनाव भी महत्वपूर्ण है। और बीजेपी का प्रदेश बीजेपी की बात करें तो भूपेंद्र चौधरी के यहाँ पर बनने के बाद, प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद, जेकर हमें सुनील बंसल को उनको राष्ट्रीय महामंत्री बना दिया गया था, उसके बाद यहाँ पर धर्मपाल सिंह को यहाँ पर प्रदेश महामंत्री और संगठन बनाया गया था। कहीं ना कहीं यहाँ पर व्यवस्था ये है कि समय समय पर बदलाव होते रहते हैं, क्योंकि अगर बात करें तो बीजेपी ने प्रदेश को 6 क्षेत्रों में बांटा हुआ है और उसमें कई क्षेत्रीय अध्यक्षों का इस समय एमएलसी बन चुके हैं, उनको प्रभार पद का भरक चुका है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो बदलाव होने हैं तो मंडल स्तर से लेकर जिला इकाई तक होंगे, उसमें मीडिया का बदलाव भी होगा, मीडिया प्रभारियों की नियुक्ति यहाँ पर होगी, मीडिया कोऑर्डिनेटर की नियुक्ति यहाँ पर होगी, प्रवक्ताओं के भी यहाँ बदलाव होंगे, इसके अलावा कई जिलाध्यक्षों में बदलाव यहाँ पर हो सकते हैं, इसके अलावा मंडल अध्यक्ष के बदलाव होंगे, क्योंकि चुनाव महत्वपूर्ण है। देश में निकाय चुनाव होने वाला, 24 का चुनाव भी महत्वपूर्ण है, आम चुनाव होना है वहां पर, कहीं ना कहीं यहाँ पर तैयारी है वो महत्वपूर्ण है। कहा जा रहा है कि आगामी 15-16 जनवरी को जब दिल्ली में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बीजेपी की हो रही है, उसके बाद संकेत दिए जाएंगे, उसके बाद यहाँ पर प्रपोजल भेजा जाएगा और प्रपोजल के बाद यहाँ पर बदलाव होंगे और बदलाव की सूची अनुमानित फरवरी के प्रथम हफ्ते में आने की पूरी उम्मीद रहेगी। गौरव, आपको क्या लगता है, क्या ये उपचुनाव में मिली हार के बाद से बीजेपी अपनी नई रणनीति बदलने के लिए मजबूर होती नजर आ रही है? देखिए मनीष, यहाँ पर रणनीति केवल 24 चुनाव को लेकर है, निकाय चुनाव को लेकर है, और मैंने आपको बताया कई लोग ऐसे हैं जिनको डबल डबल प्रभार हो गए हैं, पहले भी प्रभार है, कई क्षेत्रीय अध्यक्ष ऐसे हैं जिनको एमएलसी बना दिया गया है, वो सीटें भी खाली है, इसके अलावा तमाम जिलाध्यक्ष जिनको लगातार वो बनते चले आ रहे हैं, लगातार 3 बार से जिलाध्यक्ष बने हुए, 3 चुनाव निकल चुके हैं, तो कहीं ना कहीं बदलाव भी जरूरी है। बीजेपी में ये व्यवस्था चलती रहती है बनी कि समय समय पर वहां पर प्रत्येक कार्यकर्ताओं को मौका मिलता है कि आप अपनी अपनी ऊर्जा दिखाएं, अपनी क्षमता दिखाएं, अपनी रणनीति दिखाएं, उसके तहत सबको समय मिलना जरूरी है। इसके तहत जिलाध्यक्ष बदले जाएंगे, यहाँ पर प्रदेश स्तर पर भी तमाम बदलाव होंगे, कहा जा रहा है 50% से अधिक यहाँ पर बदलाव हो सकते हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ चुनाव के आहट तो बनी है ही, सभी कार्यकर्ताओं को मौका मिले, सभी पदाधिकारियों को मौका मिले, ये भी बीजेपी की महत्वपूर्ण पहल है। और यहाँ पर चूंकि कई लोग प्रभार बदल चुके हैं, कई लोगों को अलग अलग मौका मिला है, कई लोग ज्यादा प्रभार है, तो कहीं प्रभार कम करने के लिए रणनीति बनाने को लेकर और सभी समाज को यहाँ पर एक प्रकार से प्रतिनिधि देने के लिए, क्योंकि अगर यहाँ बात करें तो वैश्य को, भूमिहार समाज को, कायस्थ समाज को, वैश्य वर्ग को यहाँ पर साधने की बात भी कही जा रही है, पिछड़े वर्ग को साधने की बात की जा रही है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जिलाध्यक्ष के माध्यम से, पदाधिकारियों के माध्यम से बीजेपी सभी जो वर्ग है उनको साधने का प्रयास करेगी, सबको यानी बीजेपी में प्रतिनिधित्व करने का मौका देगी। और कहीं ना कहीं मनीष, ये बहुत जरूरी है, जब आपके वर्ग का कोई साथी वहां पर होता है तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि हाँ, हमारे वर्ग का एक साथी, एक इंसान वहां पर बीजेपी में भी काबिज है और लगातार वो हमारे वर्ग के बारे में उठाता है, तो कहीं ना कहीं सबसे महत्वपूर्ण बात मनीष यहाँ पर यह है कि समय समय पर सबको यहाँ पर मौका देना और बीजेपी में ये प्रक्रिया है वो सतत चलती रहती है, बदलाव भी होते रहते हैं, बदलते रहते समीकरण, साथ ही साथ यहाँ पर सभी वर्गों को एक साथ प्रतिनिधित्व देने के लिए बीजेपी समय समय बदलाव करती रहती है।
गौरव, बीजेपी के ढांचा जैसे शुरुआत से ही देखा गया है, उनके जितने भी संगठन के पदाधिकारी होते हैं या संगठन की जब भी उच्च स्तरीय उनका राष्ट्रीय नेतृत्व होता है, उस वो कहीं ना कहीं बहुत ही सामंजस्य स्थापित करके और जातीय और क्षेत्रीय समीकरणों को साधते हुए अपने आगे की रणनीति बनाता है। तो क्या आपको ऐसा लग रहा है कि क्या जाति और क्षेत्रीय समीकरणों को साधने की तैयारी ही बीजेपी लगातार ये जो 2000 लोकसभा चुनाव के लिए कर रही है, उसी के तहत ये जो संगठन में बदलाव तैयारियां देखने को मिल रही हैं, ये इन्हीं का एक हिस्सा है? जी बिल्कुल, मैंने इसी का हिस्सा है। और देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कि बीजेपी का जो राष्ट्रीय नेतृत्व होता है वही यहाँ पर माना जाता है और उनके सारे पदाधिकारी सारे लोग बात को मानते भी। अभी हमने हाल में देखा जिस तरह से महाराष्ट्र में जो पूर्व मुख्यमंत्री थे देवेंद्र फडणवीस, उनको जब संगठन ने कहा, जब उनको राष्ट्रीय नेतृत्व में कहा कि आपको यहाँ पर मुख्यमंत्री पद का प्रभार दिया जाएगा, वहाँ पर सुशील सिन्हा मुख्यमंत्री बने हैं और वहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उन्होंने राष्ट्रीय नेतृत्व की बात को मानते हुए यहाँ पर उप मुख्यमंत्री पद को ग्रहण किया। तो कहीं ना कहीं बीजेपी में सबसे महत्वपूर्ण बात मनीष यहाँ पर है, जो भी पद दिया जाता है, जो भी व्यवस्था संगठन की तरफ से दी जाती है उसको लोग निभाते हैं। और बीजेपी द्वारा भी हमेशा कार्यकर्ताओं को समय समय पर बदलाव दिया जाता है, उनको प्रभार दिया जाता है, इससे वो दिखा सके कि उनकी ऊर्जा क्या है, उनका काम कैसे करना चाहते हैं, रणनीति में कैसे खड़े उतरते हैं। और जो समीकरण है, चाहे वो जातिगत हो और चाहे चुनाव को देखते हुए, यहाँ पर समीकरण साधना बहुत जरूरी है चुनाव को देखते हुए। गौरव, इस खबर पर जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पार्टी कार्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस दौरान वो बीजेपी पर लामबंद दिखाई दिए। उन्होंने क्रूज और जीआईएस को लेकर बीजेपी से एक बार फिर कई सवाल पूछे। वहीं अखिलेश यादव ने नदियों में नाले का पानी जा रहा है, सरकार दावे तो हजार करती है लेकिन उसको धरातल पर उतारती नजर नहीं आ रही है। गंगा की सफाई के लिए हजारों करोड़ रुपए खर्च कर दिए गए लेकिन आज भी गंगा की सफाई नहीं हो पाई है। इस खबर पर हमारे संवाददाता विभांशु हमारे साथ मौजूद हैं। विभांशु, अखिलेश यादव बराबर बीजेपी पे निशाना साधते रहे हैं और उन्होंने फिर एक बार निशाना साधते हुए बोला है कि हजारों करोड़ रुपए गंगा की सफाई में खर्च हो चुके हैं लेकिन अभी तक उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है, ना गंगा साफ हुई है और पैसा भी पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। दूसरा, उन्होंने जो आरोप ये लगाया है, उन्होंने साफ साफ ये कहा है कि भाई हजारों रुपये बर्बाद करने के बाद भी नदियों में नाले का पानी बराबर गिर रहा है, सरकार जो वादे कर रही थी सब झूठे साबित हुए हैं। क्या कहेंगे इसको लेकर अब? जी मनीष जी, आपको बता दें कि आज अखिलेश यादव ने एक अहम प्रेस वार्ता की, इसमें साफ तौर से अगर देखा जाए तो पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं सवाल खड़ा करते हुए नजर आए। वहीं आपको बताएं कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक कैलेंडर जारी किया गया जो हर एक महीने समाजवादी पार्टी के द्वारा जारी किया जाएगा। इस कैलेंडर के माध्यम से जो भी समाजवादी पार्टी के विचारधारा के नेता रहे होंगे उनकी जीवनी होगी। साथ ही साथ कि आज युवा दिवस के अवसर से आज कहीं ना कहीं देखा जाए तो विश्व भर में स्वामी विवेकानंद की जयंती मनाई जा रही है और इसको लेकर आज उन्होंने कहा कि युवाओं को जो ये कैलेंडर होगा एक नया संदेश देगा। वही आपको बताएं कि दीपक कबीर के द्वारा इस कैलेंडर का शुभारंभ किया गया और उसके ठीक बाद जब अखिलेश यादव कहीं ना कहीं अपना प्रेस वार्ता को आरंभ किए उसके बाद उन्होंने लगातार बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि नदियों की सफाई के लिए भारतीय जनता पार्टी करोड़ों रुपए बाहर भी पानी है मगर कहीं इसका नतीजा नदी के जल स्तर में नजर नहीं आ रहा ना, उनकी गुणवत्ता में आज आए दिन गिरावट देखने को मिले। उन्होंने साफ तौर से कहा कि बनारस के अंदर में जो क्रूज चलाई जा रही है वाटर क्रूज, उस पर उन्होंने इशारा साधते हुए कहा कि जो धार्मिक स्थल है वहां से सरकार एक इनकम का जो स्रोत बनाना चाहती है वो कहीं ना कहीं सर्जनाश है। तो बनारस में जो क्रूज है क्रूज शिप चलाई जा रही है इसको लेकर कहीं ना कहीं अखिलेश यादव आज भारतीय जनता पार्टी के ऊपर हमलावर होते हुए नजर आए। वहीं उन्होंने कहा कि इससे साफ तौर से जो नाविक है उनका कहीं ना कहीं रोजगार छिनेगा, नाविकों के लिए ये बेहद बुरी खबर है। और उन्होंने कहा कि हम जब सरकार में थे तो रिवर फ्रंट बनाकर हम कहीं ना कहीं जो गोमती नदी है उसकी पानी की गुणवत्ता में बदलाव हुए हैं। और वहीं उन्होंने कहा कि साथ ही कि पानी की गुणवत्ता के साथ साथ हमें इसे पर्यटन की दृष्टि से एक बेहतर जगह बनाए। जी विभांशु, आगे की रणनीति की बात करें तो निकाय चुनाव को लेकर और 2000 लोकसभा 24 के लोकसभा चुनाव को लेकर क्या अखिलेश यादव ने वहां पे कुछ रणनीति भी अपने पदाधिकारियों के साथ बनाई, ऐसा कोई जानकारी भी है आपके पास? जी मनीष जी, आपको बता दें कि आज साफ तौर पर अखिलेश यादव अपने पोस्टर पर जारी करते हुए कहा कि आने वाले जो चुनाव होंगे वो समाजवादी पार्टी के पक्ष में होंगे और पूरी मजबूती के साथ समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के सामने कहीं ना कहीं खड़ा नजर आएगी। उन्होंने कहा कि हम इस साफ तौर से अगर देखें तो आज के कॉन्फ्रेंस में उन्होंने निकाय चुनाव को लेकर एक बड़ा बात कहा कि उन्होंने किन तरफ से कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि इस समय पर चुनाव ना हो और वो इन्वेस्टमेंट समिट को बोलते हुए उन्होंने कहा
कि हम इन्वेस्टमेंट समिट में कहीं ना कहीं घोटाले की उन्होंने बात कही कि पिछली बार में इन्वेस्टमेंट समिट हुआ तो कुछ ऐसा निकल के नहीं आया जिससे प्रदेश का विकास हो। वहीं उन्होंने कहा कि सरकार का जो पैसा है वो पूरी तरह से गोरखपुर में बहाया जा रहा है। साथ ही उन्होंने आरोप लगाते हुए भारतीय जनता पार्टी पे कहा कि प्रदेश के अंदर में ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट हो रहा है और पूर्व में भी हुआ है, मगर जो पूर्व के इन्वेस्टमेंट समिट थे उसमें क्या निवेश आया, उत्तर प्रदेश का जो चौमुखी विकास सुधारे वाले की जाते हैं वो कहाँ है। तो साफ तौर से जो भारतीय जनता पार्टी के 5 सालों का काम था जिसमें इन्वेस्टमेंट समिट हुआ उसको उन्होंने सवाल उठाया। अब उन्होंने कहा कि निवेशकों के आने से एनसीआरबी रिपोर्ट है उत्तर प्रदेश का, उसको देख कर कहीं ना कहीं निवेशक पीछे हुए नजर आएंगे। जी युवांशु, अगर कुल मिला के बात करें तो आज जो अखिलेश यादव ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसका मेन मोटिव क्या था? जी, एक साफ तौर से अगर देखें तो आज समाजवादी पार्टी का कैलेंडर जारी हुआ और इस कैलेंडर के माध्यम से कहीं ना कहीं देखें तो तमाम दलों के द्वारा किताबें निकाली जाती हैं, तमाम पुस्तकें आती हैं उनके, तो इसी क्रम में अब समाजवादी पार्टी अपना कैलेंडर ले आएगी हर महीने जिसमें समाजवादी संदेश रहेगा। और साफ तौर से उसमें जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जो भी होंगे, अभी पता बात करें फिलहाल में अखिलेश यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनके संदेश होंगे और आने वाले जो तमाम चुनाव होते हैं और तमाम चीजें होती है उसको लेकर जानकारी होगी। वही मनीष जी आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने कहा कि आज ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट साफ तौर से चुनाव को अपने पक्ष में लेने के लिए किया जा रहा है और उन्होंने कहा कि जो भी पैसा है सरकार का उसको इसी इवेंट में कहीं ना कहीं खत्म किया जा रहा है, उससे कहीं बेहतर होता कि प्रदेश की विकास पर सीधे ध्यान दिया जाता। जी जी विमांशु, इस खबर पर जुड़ने के लिए, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री आज 2 दिवसीय लखनऊ के दौरे पर है। इस दौरान रक्षा मंत्री संत समागम और हरिश्चंद्र जयंती समेत कई कार्यक्रमों में भी हिस्सा लेंगे। इसके बाद ही इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में भी रक्षा मंत्री हिस्सा लेंगे। इस खबर पर हमारे संवाददाता रितेश मौजूद हैं। रितेश, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज 2 दिवसीय लखनऊ दौरे पर हैं, इसको लेकर आपके पास क्या जानकारी है और इस दौरे के दौरान किन किन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर वो अपने निर्देश या फिर लोगों को संगठन को निर्देशित करेंगे? देखिए मनीष, मैं बता दूं कि लखनऊ के सांसद और देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लखनऊ में 2 दिवसीय दौरे पर हैं और उनका दौरा जब लखनऊ में होता है तो कुछ ना कुछ खास माना जाता है, चाहे वह आगामी चुनाव को लेकर के हो या फिर अब जो आने वाला इन्वेस्टर समिट को लेकर के हो, तो कहीं ना कहीं उनका दौरा यार लखनऊ में जब होता है तो बहुत ही बाजी माना जाता है। फिलहाल अभी जो जानकारी मिल रही है वो आज उनका दौरा जो था आज महर्षि विद्यालय में संत समागम में सम्मिलित हुए, वहां पर उन्होंने अपना उद्बोधन दिया। उसके बाद फिर आज 5:30 बजे साइंटिफिक सेंटर में एक कार्यक्रम सम्मिलित होने वाले हैं। उसके बाद कल उनका इंडिगल यूनिवर्सिटी में दीक्षांत समारोह होगा, वहां पर वो सम्मिलित होंगे। उसके बाद शाम को फिर दिल्ली के लिए रवाना होंगे। तो कहीं ना कहीं ये तो कहा जा रहा है कि किस तरीके से देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और लखनऊ के सांसद भी हैं राजनाथ सिंह, तो उनका दौरा लगातार लखनऊ में होता रहता है और कुछ ना कुछ वो सौगात लखनऊ को देते रहते हैं। रितेश, आपको क्या लगता है राजनाथ सिंह ने किन महत्वपूर्ण बिंदुओं को लेकर वहां पे बात कही? देखिए अभी जो जानकारी मिल रही है कि जिस तरीके से उनका दौरा हुआ है लखनऊ में और लखनऊ में अभी जो शाम को साइंटिफिक कन्वेंशन सेंटर में 5:30 बजे जो उनका वहां पर कार्यक्रम होगा उसमें कुछ बातें निकल करके सामने आएंगी। अभी फिलहाल संत समागम के कार्यक्रम में वो सम्मिलित हुए थे, कई जगह अभी उनके कार्यक्रम लगे हुए हैं। उसके बाद कल भी अभी इंटरगल में दीक्षांत समारोह में भी शामिल होंगे। तो कुल मिलाकर ये माना जा रहा है कि कुछ अहम चीजें निकल करके सामने आएंगी जब वो दीक्षांत साइंटिफिक कन्वेंशन सेंटर में जब वो भाग लेंगे, उसके बाद चीजें आएंगी, कुछ निर्देश भी दिए जा सकते हैं और जो समस्या जो चीजें चल रही है उसको लेकर के भी काफी बातें हो रही है फिलहाल। रितेश, क्या राजनाथ सिंह लखनऊ के 2 दिवसीय अपने दौरे के दौरान पार्टी के पदाधिकारियों के साथ भी भेंट करने वाले हैं, क्या संगठन को लेके भी कोई चर्चा होने वाली है, ऐसा कुछ आपकी जानकारी में? संगठन में बहुत बड़ा फेरबदल का भी चल रहा है, अभी ये भी कुछ हो सकता है, लेकिन अभी ये राष्ट्रीय कार्यकारिणी जब बैठेगी तब इसमें कुछ साफ हो पाएगा। अभी फिलहाल जिस तरीके से लखनऊ में दौरे पर है राजनाथ सिंह, वो साथ में मिल करके यहाँ पर उनका जो कार्यक्रम होगा वो अपने पदाधिकारियों के साथ जो सामूहिक जलपान का भी व्यवस्थाएं होंगी उसके साथ में रहेंगे और इस तरीके से इनका कार्यक्रम की रूपरेखाएं आगे बन करेगी। फिलहाल अभी जो ताजा मामला सामने आ रहा है शाम को 5:30 बजे कन्वेंशन सेंटर में वो जाएंगे, उसके बाद अगले दिन जो उसका कार्यक्रम यानी शुक्रवार को जो कार्यक्रम होगा दीक्षांत समारोह का कार्यक्रम इंटीग्रल यूनिवर्सिटी में होगा। रितेश, इस खबर पर जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लखनऊ के संयुक्त पुलिस आयुक्त पीयूष मोंडिया के खिलाफ RTI दाखिल हुई है। ये RTI एक निजी पत्रकार ने दाखिल की है।
आरटीआई के माध्यम से उसने चल अचल संपत्ति का ब्यौरा मांगा है। मालूम हो कि हाल ही में पीयूष मोंडिया का एक निजी चैनल के पत्रकार के साथ नोकझोंक का वीडियो काफी चर्चा में रहा था। इस खबर पर हमारे संवाददाता सागर थापा हमारे साथ मौजूद हैं। सागर, क्या है ये पूरा मामला, इसके बारे में बताएं और अभी भी क्या अपडेट है इसका? जो पीयूष मोंडिया है ये 98 बैच के आगे अधिकारी है और काफी सुर्खियों में रहते, कभी ये सड़क पर तेजाब पर जाते हैं, कभी नशे के खिलाफ ये अभियान चलाते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हाल ही में पहले छापा मारा था और वहां पर चार होमगार्डों को पकड़ा था, शराब पाने का था। तो कहीं ना कहीं ये अपने अच्छे कामों से जाने जाते हैं और बहुत बेहतर पॉलिसी के लिए जाने जाते हैं पीयूष मोंडिया। लेकिन इनके खिलाफ एक राजधानी में एक पत्रकार है जिनके चौधरी, उन्होंने एक आरटीआई डाली है और जिसमें साफ तौर पर ये मेंशन किया गया है इनके सैनानी की मदद से इनकी अचल संपत्ति कितनी, अचल संपत्ति कितनी है, इन्होंने अपने हिसाब से क्या क्या इनके क्या क्या इन्वेस्टिगेशन हुई, क्या क्या किन किन एडमिनिस्ट्रेशन में इन्होंने अपनी भागीदारी दिखाई है और क्या क्या इन्होंने उपलब्धियां पाई है, इन सब चीजों को लेकर एक आरटीआई दाखिल की। और हाल ही में बता दूं आपको कि सिग्नेचर बिल्डिंग जब अखिलेश यादव जब पहुंचे थे, उनके जो मनीष थे मीडिया जो करते थे पूरा, तो उसकी गिरफ्तारी को लेकर जब अखिलेश यादव वहां पहुंचे थे उसके बाद से मीडिया है वहां पर मीडिया का हुकूम जमा था। उसके बाद वहां पर डी न्यूज के पत्रकार पत्रकार वो भी वहां पहुंचे थे और एक वीडियो वायरल साथी है उनके द्वारा मीडिया का सागर, आरटीआई में क्या कुछ अभी तक सामने आया है और पीयूष मोंडिया और पत्रकार के साथ नोकझोंक को लेकर क्या कुछ पूरा मामला अभी नजर आ रहा है और आपको क्या लगता है उसमें क्या आगे होने वाला है? शुभम पांडे उनसे टॉपिक के रूप में एक ऑप्शन के रूप में रखा गया है, साफ साफ ये भी दिखाया गया है, पूछा गया है अब तक पत्रकार जो हड़प होगी या फिर वाद विवाद हुआ था उस पर क्या कुछ कार्रवाई की गई, जो कार्रवाई की गई उसका पूरा कराया गया। सागर, इस खबर पर जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल 4 बजे की 4 बड़ी खबरों बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।